चलो बच्चों अब पढ़ते हैं चैप्टर को। अ फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी वाइफ और उसका छोटा सा बेटा गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूज इन हिज हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनके साथ एक बेबी मंगूज मतलब एक छोटा सा नेवले का बच्चा भी रहता था, जिसको वो क्या मानते थे कि ये बड़ा होकर इसका दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन किसान और उसकी बीवी नेवले के साथ बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा रहता था। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, किसान ने कहा एक दिन कि हमें एक पेट रखना चाहिए। पेट क्या होता है? वो जानवर होता है जिसको हम घर में पालते हैं, ठीक है। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन उसकी बीवी को किसान ने कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन, जब हमारा बेटा बड़ा होगा उसको एक दोस्त की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और जो ये नेवला होगा ये हमारे बच्चे का दोस्त होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को जो ये आइडिया था ये पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर बॉट विद हिम ए टाइनी मंगूज, एक शाम को किसान अपने साथ टाइनी मतलब छोटा सा नेवला ले आया। मंगूज मीन्स नेवला, इट्स ए बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा ये तो एक नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन ये जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे बेटे का फ्रेंड होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्या होता है। बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रू, बच्चा और नेवला दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5-6 महीने में नेवला जो है वो अपने पूरे साइज का हो गया। ए लवली एनिमल विद 2 shining black eyes एंड ए बूशी टेल, एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 चमकदार काली काली आंखें थी और एक बूशी टेल और एक झाड़ी जैसी पूंछ थी। बूशी मतलब झाड़ी नुमा, ठीक है, बालों वाली। द फार्मर सन वॉज ए स्टिल बेबी इन द क्रेडल, और जो किसान का बेटा था वो अभी भी क्या था, एक बच्चा था जो पलने में सोता था। क्रेडल क्या होता है बेटा? पलना। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली, जो रोता था और साथ साथ में सोता था। तो देखो जानवर होते हैं बेटा वो अपने टाइम से बहुत पहले बड़े हो जाते हैं, और जो इंसान होते हैं वो उनका ग्रोथ का टाइम जो होता है, ग्रोथ का पीरियड होता है, वो धीरे 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 होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट, एक दिन किसान की बीवी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया एंड ड्रॉप्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसको पलने में सोने के लिए डाल दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, बास्केट उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना। कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान रखना। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. साफ कहूँ तो मैं नेवले के साथ बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। You need not be afraid, said the farmer. किसान ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। Afraid मतलब होता है डरना, need not मतलब जरूरत नहीं है। The mongoose is a friendly animal. जो नेवला है वो एक सहायक पशु है, एक मैत्रीपूर्ण पशु है। It is as sweet as our baby. ये इतना ही प्यारा है जितना प्यारा हमारा बच्चा है। They are the best of friends, you know. और तुम जानती हो कि ये पक्के मित्र हैं। The wife went away with the farmer. The wife went away and the farmer having nothing to do in the house. जो उसकी वाइफ थी वो तो चली गई और किसान के पास करने के लिए अब कुछ नहीं था, वो खाली हो गया। Decided to go out and take a look at his fields not far away. उसने सोचा कि चलो भाई इतने अपने खेतों को ही देख लिया जाए, जो खेत जो थे उसके ज्यादा दूर नहीं थे। He ran into the some friends on the way back and did not return for quite some time.
और रास्ते में उसको कुछ दोस्त मिल गए और वो अपने घर पे नहीं लौटा काफी टाइम के लिए। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। जो किसान की बीवी थी इस बीच घर पे लौट आई, उसके हाथ में एक बहुत भारी बैग था। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। वो क्या देखती है, घर के दरवाजे पर, एंट्रेंस क्या होता है बेटा, मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार पर जो नेवला है वो खड़ा था और उसके मुंह पे और कंधे पे खून लगा हुआ था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. एक सेकंड में उसका दिमाग क्या सोचने लगा कि जरूर इस नेवले ने बच्चे को मारा है और ये खून जो है वो मेरे बच्चे का है। His wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो किसान की बीवी थी वो मार्केट से अपना काम खत्म करके आ जाती है और उसके पास जो थी वो टोकरी थी वो सामान से भरी हुई थी। ग्रोसरीज होते हैं बेटा घर का सामान, रसोई का सामान, जैसे दाल, चावल, चीनी, आटा, ये। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. जो नेवला था उन्होंने पाल रखा था वो घर के बाहर बैठा था और ऐसे लग रहा था जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो, किसान की बीवी का। On seeing her, उसको देखने पर he ran to welcome her, वो उसको वेलकम करने के लिए दौड़ा, as was customary, जैसा कि सोचा था। the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, जो वाइफ थी किसान की उसने मंगूस को देखा, नेवले को देखा और screamed, डर गई। blood, she cried, खून, वो चिल्लाई। The face and paws of the mongoose were smeared with blood. जो नेवला का मुंह और पंजा था वो खून में धसा हुआ था। Smeared means धसा हुआ था। You wicked animal, तुम गंदे जानवर। You have killed my baby, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। She screamed hysterically, वो जोर से चिल्लाई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वो बदले में अंधी हो चुकी थी, बदले की आग में। उसने क्या किया, जो सामान बाजार से लेके आई थी, जो बास्केट फुल भरी हुई थी सामान से, वो नेवले के ऊपर डाल दी और वो नेवला कहां भागा, बच्चे के पलने के पास भाग गया था। द बेबी was fast asleep, बच्चा तो अपना सो रहा था आराम से। but on the floor lay black snake torn and bleeding, लेकिन उसने क्या देखा कि फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था। in a flash she realized what had happened, एक सेकंड में उसको पता चल गया कि क्या हुआ था। She ran out looking for the mongoose. वो बाहर दौड़ी नेवले को देखने के लिए। Oh, you saved my child. तुमने मेरे बच्चे को बचाया। You killed the snake. तुमने सांप को मार डाला। What have I done? और मैंने क्या कर दिया? She cried. वो चिल्लाई, touching the mongoose. नेवले को टच करते हुए वो चिल्लाई। Who lay dead and still? जो अब मर चुका था, डेड हो चुका था, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, उसको उसका सुबकना। सोबिंग क्या होता है बेटा, सुबकना, उसको उसका सुबकना नहीं सुनाई दे रहा था। द फार्मर वाइफ्स हु हैड एक्टेड हैसली एंड रैशली, हैसल और रैशल क्या होता है बेटा, बहुत जल्दबाजी में क्या काम करना। जो फार्मर की वाइफ थी उसने बहुत जल्दबाजी में ये गलत निर्णय लिया था। Stayed long at the dead mongoose, वो मरे हुए नेवले की तरफ देख रही थी एक तक। Then she heard the baby's crying, तब उसने बेबी की रोने की आवाज सुनी। Wiping her tears, she went in to feed him, और अपने आंखों के आंसू पोछते हुए वो उसे दूध पिलाने लगी। ये थी कहानी बच्चों। तो इस कहानी को पढ़ के हमें क्या सीख मिली, इस कहानी को पढ़कर हमें सीख मिली कि हमें कभी भी जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में और गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, हमें बाद में उस पर पछतावा होता है, लेकिन पछतावा करने के अलावा हमारे पास उस समय कोई चारा नहीं रहता। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर हो गया
अगले वीडियो में हम चैप्टर के मुश्किल जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वर्ब की फॉर्म्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी करेंगे। थैंक यू।